साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो, मेरा नाम नहीं फिर से कर ले लीजिए, प्रियम, एंड आई एम जस्ट गॉट द क्राउन फॉर शीक मिसेज इंडिया एशिया पैसिफिक एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू एंड आई एम वेरी ग्लैड टू विन दिस कॉन्टेस्ट एंड आई वॉन्ट टू थैंक फ्रॉम माई हार्ट टू द शीक मिसेज इंडिया एंड द कंठा एंटरटेनमेंट एंड टू ऑल द डायरेक्टर्स हु हैव ऑर्गेनाइज दिस एंड द जजेस, थैंक यू सो मच। And what do you want to say about the initiative? शादी के बाद almost जो है करियर खत्म हो जाता है, लेकिन आपका जो है शादी के बाद करियर शुरू होने वाला है, आप क्या कहेंगे, कितने excited है और क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है मोस्टली, ये आजकल की धारणा है कि हाँ शादी के बाद एक्चुअली लेडीज़ की जो है वो करियर स्टॉप हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, दे यूज़ टू टेक देयर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भी इम्पॉर्टेंट है एज अ वुमेन, बिकॉज फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है, उनके साथ रिलेशन भी अच्छे से सब कुछ चलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो वुमेन है वो मल्टी टैलेंटेड हैं, दे कैन डू एनी वर्क एंड वेरी एंड विद द वेरी गुड कमिटमेंट एंड दे कैन परफॉर्म वेरी वेल, तो घर के साथ साथ वो अपने काम को भी उतनी ही अहमियत दे सकती हैं और दोनों में बैलेंस बना के चल सकती हैं, तो मेरा मानना है कि वो दोनों आई मीन बहुत अच्छे से वो निभा सकती हैं, फैमिली भी ज़रूरी है बट स्टिल फॉर अ वुमेन आई वुड लाइक टू से दैट उनको भी आगे आना चाहिए और अपने लिए कुछ करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बी इंडिपेंडेंट इन अ होल वे। थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए आपको क्राउन मिला? जी नमस्ते, मैं भावना चिराग गुप्ता मुंबई से, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शीक मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला बल्कि मुझे अपने आप को उसमें प्रेजेंट और अपने आप को यू नो एक्सप्लेन करने का मौका मिला, खुद को दुनिया के सामने रखने का मौका मिला, जिसमें कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैं आगे बढ़ी, मैंने ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीती भी ये शो को, और मुझे मिसेस शीक इंडिया का जो क्राउन है ये भावना मिसेस चिराग गुप्ता को शीक मिसेस इंडिया एज अ यूनिवर्स क्राउन मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस यू नो इवेंट, ब्यूटिफुल इवेंट, थैंक यू सो मच। या एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग आउट के आगे जो भी ये इवेंट हमें जहाँ पे भी मार्गदर्शन जो भी हमें देगा मैं उसमें बिल्कुल आगे जाना चाहूँगी, बेशक हम जीते ना जीते लेकिन यू नेवर नो, हम हमेशा जीत के ही आ जाते हैं, वो जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है, और मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए जो जाऊँगी मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि उसमें भी मैं टॉप 7 या टॉप 10 तक ही बिल्कुल आऊँ। पहले बताइए कि ये इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब मैरिड वुमेन्स के लिए लिया गया है, स्पेशली कहा जाता है कि उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है शादी के बाद, लेकिन ये नया इनिशिएटिव है, क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंठा एंटरटेनमेंट और शीक को कंग्रेचुलेशंस करूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ बबीता आंटी, करण, प्रियंका एंड अंजलि, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन लोगों ने कि आफ्टर मैरिज लोग मतलब वाइफ बोलती है हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, शायद तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है, और जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था दे आर प्रोफेशनल्स, मतलब इतने अच्छे से आकाश ने उनको ट्रेन करवाया, बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। ओके, और मतलब जहाँ पे ये पेजेंट हो रहा था वहाँ पे आप मौजूद थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबको देख के, कैसा लगा कंटेस्टेंट कैसे, अगर उनके बारे में कुछ बताया? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, आई एक्चुअली दे आर लाइक प्रोफेशनल्स, क्यों जिस तरह से वॉकिंग टॉकिंग जिस तरह से उनका बिहेवियर था वो बहुत ही अच्छा था, मैं थैंक यू सो मच आकाश तुमने उनको अच्छे से ग्रूम किया और इस प्लेटफॉर्म तक उसको लेकर आए हो, और आगे ऑल द बेस्ट गाइज, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये बिल्कुल मत सोचना शायद जो भी लेडीज़ आप जितने भी लोग देख रहे होंगे कैमरा पे इंटरव्यू या ये कंठा एंटरटेनमेंट, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ फिनिश नहीं होती है, शायद स्टार्ट होती है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग प्रोफेशनल फ्रंट, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? साउथ मूवीज, तो जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, आई एम मिसेस जननी राजन, मदर ऑफ अ टॉडलर, आई एम फ्रॉम बैंगलोर द गार्डन सिटी, I work as a software professional, I mean software engineer by profession, that's it about me. It's very simple life. Okay, how was your experience in Shik Mrs. India? It was what you got the crown? Yes.
Sure. So it was very exciting and we have learned a lot of things. We were very naive when we actually entered. But after that, we learned a lot of things like, you know, how to present yourself, how to walk, how to talk. Everything was, you know, was taught to us like perfectly. So it's like from a naive, and then we groomed up into a model now. So that's how we have grown up now. मेरा नाम मीनू वर्मा है, मैं मुंबई से हूँ और मुझे ये जर्नी है बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी एक पहचान मिली जहाँ पे वेल आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ कि एज अ वूमेन व्हाट आई कैन डू व्हाट आई कैन बी. मैं बोलूँगी कि अगर जैसे मुझे नया प्लेटफॉर्म मिला है तो इसके लिए मैं अपनी पहचान, आज मैं खुद पहचान बना सकती हूँ थ्रू सीक मिसेस इंडिया. थैंक यू. ओके टाइटल. ओके हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा मेहता जरारिया. आई एम Chic Mrs. India Universe 2018. I'm very happy to be the part of Chic Mrs. India. And I thank all the directors of Chic Mrs. India, Karan Singh Prince, Priyanka Paul, Anjali Rajput, and Babita Verma ma'am. And I'm very happy and excited to be associated with the Chic for last 1 year or 6 months. And it will be a very great experience with the contest. We are having contest in Jaipur. It's a good palace where we have this huge platform. It is a very good platform for the marriage woman to introduce and to come forward and present themselves in front of so many peoples. I think this is the lack of things happen in India, and I think all the women come out of from their houses, all the housewives especially come out of their houses and do take participate in such events to maintain their dignity, to groom themselves, to be the part of this beautiful world. And I'm very happy to be the part of this event. Thank you. First of all, introduce yourself and how was your experience in Chic? And it's a big platform. What do you want to say about it? Yeah. My name is Jyoti Behel. I'm from Bangalore, 51 years old. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा Chic Mrs. India के साथ जयपुर में. हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमें नहीं पता था और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी. और सारा ही मैनेजमेंट और सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, सब ने बहुत अच्छी कोऑपरेशन की. सो मैं अप्रिशिएट करूँगी Chic Mrs. India कांता एंटरप्राइजेस को जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. हाँ, जो कमिंग इनके साथ हम करेंगे, जो भी है आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छा करने की, बेस्ट देने की अपना. थैंक यू वेरी मच. मैम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, बबीता मैम क्या कहना चाहेंगे, Chic इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है जयपुर में, जो इवेंट हुआ लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करें, क्या कहेंगे मैम, और जब शुरुआत की थी और अब तक क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मीडिया ही थी जिन्होंने हमें लॉन्च से लेके आज तक, और जब हम लोगों ने जयपुर में भी किया तो हमारे लिए मीडिया ही, आप लोगों का ही बहुत बड़ा सहारा था. और Chic Mrs. India हमारे लिए सक्सेस था और हम लोग उस नाम को लेके आज हम लोग बहुत, एक जो हमने सपना देखा था कि कुछ महिलाओं को प्लेटफॉर्म देंगे, कुछ महिलाओं के लिए कुछ अलग हटके करेंगे. हालांकि हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते थोड़ा सा लेट हुआ और हमारे काफ़ी सारे ऐसे डिसाइडेड हैं हम डायरेक्टरों के कि हम लोग इस लेडीज़, हमारी जितनी महिलाएं हमारी जो पार्टिसिपेट रही हैं और जो विनर हैं उनके लिए हम लोग कुछ डिफरेंट लुक और डिफरेंट कुछ चीज़ प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं. वो हम लोग अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद बताएंगे, लेकिन Chic हमारे लिए एक लकी प्लेटफॉर्म हमारे और हमारे पार्टिसिपेट सभी के लिए है. सो बेसिकली हमारे जो कंटेस्टेंट जीते हैं, हम लोग ने पहले उन डिसाइडेड था हमारा कि हम उन्हें वेब सीरीज़ देने वाले हैं, हम उनके ऊपर शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाले हैं, हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जिससे वो आगे जाकर कुछ करे. सो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो मिसेज होती है वो घर के बाहर निकलती तो है लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, राइट, है ना.
तो हम लोग का डिसाइड हुआ था कि पहले तो हम जो भी हमारे विनर्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद वेब सीरीज़ है हमारा जो फायर स्टिक चैनल है वो वेब सीरीज़ में उन लोगों को कास्ट कर रहा है हमारे सारे विनर्स को। इसके अलावा हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं सीरियल इंडस्ट्री के रुपेश करके हैं, रुपनकरा में रुपेश सोनार, तो वो भी वहाँ पे थे क्योंकि वो भी एक जूरी मेंबर्स थे। तो उन्होंने भी कुछ लोग कुछ फेस को सिलेक्ट किया है कि मैं उनको कहीं ना कहीं हम उन्हें पुट कर पाए, कहीं ना कहीं उन्हें डाल पाए, सही प्लेटफॉर्म दे पाए। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स हैं, इसके अलावा जो कंडा एंटरटेनमेंट जो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग इन्हीं के रियल लाइफ पे, क्योंकि इनमें बहुत ट्रांसफॉर्म आया है, ये डे वन से लेके अब तक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ अगर देखा जाए तो हम इनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें ये डाल रहे हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे ऐसे लॉन्चेज होते हैं, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ एल्बम्स जो हमारे आएंगे, तो देर इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म मिसेज लोग के लिए जो बहुत आगे लेके जाएगा इन्हें। प्रियंका जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे प्रिंस ने कहा कि उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म आया और आप लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ग्रूम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ स्टार्टिंग से लेके अब तक का, अगर उस बारे में कुछ बताया। स्टार्टिंग में उन लोग के पास बहुत डाउट्स थे बिकॉज ये जो भी मिसेज है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में से है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उन लोग के लिए कम्प्लीटली नया था। इनको फैशन वर्ल्ड और ये मीडिया इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तो बहुत स्केप्टिकल थे कि ये कैसे कर पाएंगे। बट जो जब से इन लोग सिलेक्ट हुए हैं, जब से फाइनलिस्ट हुए हैं, उनकी जो ग्रूमिंग सेशन हुई है, जो जैसे डॉक्टर वरुण कटियाल है जो फेमिना के स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने इनकी स्किन और न्यूट्रिशन की ग्रूमिंग की है। योगा और फिटनेस विवेक मिश्रा ने की है। हमारे जो शो डायरेक्टर है आकाश चौधरी, उन्होंने उनकी वॉक और एटिकेट मैनर्स सिखाई है। तो प्रैक्टिकली हमने उनको ऑलमोस्ट 80% तैयार कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, और रिमेनिंग जो 20% है उनके लिए अभी एक साल है, क्योंकि जो इन लोग रिप्रेजेंट करेंगे वुमेन ऑफ यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स और यूनाइटेड नेशन, जो कि 2019 में होने वाला है, तो उनकी ग्रूमिंग चालू होगी नेक्स्ट ईयर से। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरा इनिशिएटिव इनिशिएट करना और सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना कितना चैलेंजिंग था, अगर उस बारे में कुछ बताया। चैलेंज तो रहता ही हर काम के लिए, क्योंकि ये शिक मिसेस इंडिया था, मिसेस के लिए था। लड़कियां तो बिंदास होती हैं, कई बार आ जाती हैं, लड़कियों के बाद में जब वो माता रहती हैं, लेडीज़ हो जाती हैं, उसके बाद उनके लिए एक चैलेंज रहता है। और हमारे लिए भी चैलेंज था कि महिलाओं को घर से निकालना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना और उसके बाद यूनिवर्स में लेके जाना है उन लोगों को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उनका भी काफ़ी कोऑपरेशन हमें मिला, जो हमारी पार्टिसिपेट है उनका सभी का हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला। उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट करके हमारे सब चीज़ों को समझा, बड़े जल्दी वो सब चीज़ सीखी, तैयार हुई, क्योंकि उनमें भी एक इच्छाएं थी जो हम भी कुछ बनाएं, हम भी कुछ करें। तो काफ़ी उन लोगों ने कोऑपरेट किया और हमारा हर चीज़ को, लेसन को वो समझ के आगे हमारे साथ है। उन लोगों को भी धन्यवाद। को कन्वेंस करना कितना मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेट होती है जो भी मिसेस होती है, जो शादी के बाद आगे आने के लिए डरती है थोड़ा, तो उनको कन्वेंस करना कितना चैलेंजिंग था, अगर उस बारे में। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई हमें, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मिसेस इंडिया होते हैं, बहुत ज़्यादा, एक दो नहीं होते। लेकिन उन्हें ये बताना कि भाई जिस चीज़ में आप जा रहे हो ये राइट ट्रैक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे आपको लेकर जाएगा, यही सही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल देते हैं यार यस हमारा सही है, हमारा सबको अपना अपनी चीज़ सही लगती है, तो उन्हें कन्वेंस करना कि यस आप जिस चीज़ में एंटर हो रहे हो वही चीज़ राइट है, वही चीज़ करेक्ट है। शीक इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मिसेज लोग को एक्चुअल मिसेज यूनिवर्स को लेके जा रही है राइट डायरेक्शन पे। सो हम लोग हर सिटीज़ घूमे, आई रिमेंबर दैट कि मैं, प्रियंका, अंजलि, ममा, हम लोग एक एक सिटीज़ घूमे हैं इंडिया की, हर जगह दो दो दिन स्पेंड किया है। मतलब जो ऑडिशंस हमने लिए हैं, जितने हेटिक ऑडिशंस होते थे, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसी हर किसी को बनने की इच्छा होती है बट वो उतने वेल ग्रूम्ड नहीं होते हैं। सो प्रियंका को और अंजलि को बहुत ज़्यादा नॉलेज था इस चीज़ का कि कौन कितना अच्छा ग्रूम हो सकता है फ्यूचर में जाकर। उनमें से सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत डिफरेंट था, और सिलेक्शन के बाद भी आई रिमेंबर एक एक को कॉल कर करके पर्सनली हमें ये बोलना पड़ता था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बूस्ट नहीं होता था, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता था, हम कर पाएंगे क्या, हमसे हो पाएगा क्या, मैम हमने ऑडिशन में देखा और सुंदर लोग थे। सो मैं इनके फ़ोन कॉल सुनता था, क्योंकि मेरा तो मैंने देख रखा है इन्हें कि इन लोग कितना बोलती थी, कैसे कन्विंस हुए हैं चीज़ें, बट
टचवुड आज वो लोग बोलते हैं कि हम जो मेरे जितने भी कंटेस्टेंट थे 20 जितने मेरे फाइनलिस्ट थे जो हम जयपुर में गए थे सब थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें इतना कन्विंस किया, आप लोगों ने हमें जयपुर ले गया और आज सब ग्रूम्ड है और हमारे विनर्स तो आप देख ही रहे टचवुड। लास्टली प्रियंका जी, तो आप भी ये सिचुएशन में थे तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको जीतने के बाद क्या करना चाहिए अगर उस बारे में? आई थिंक इन लोग ने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है वो 4 डेज में जयपुर में कि आई थिंक उन लोग अपने आप में बहुत ग्रूम हो चुके हैं और उनके पास जितनी नॉलेज अभी हमने दी है इस 4 दिन में और हम तो रेगुलर टच में ही है उनके साथ, जब भी उनकी कोई क्वेरीज होती है उनके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं हम ऑलवेज अवेलेबल होते हैं उनके साथ फ़ोन पे, बिकॉज दे आर ऑल नॉट फ्रॉम सेम प्लेस, तो सब लोग बैंगलोर में है कोई नागपुर से है तो, बट उन लोगों को अभी एक क्लियर पिक्चर उनको पता चल गया है कि उनको क्या करना है आगे। आई थिंक दे आर ऑल स्मार्ट, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो आई थिंक दे आर ऑल रेडी फॉर इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम करने की जिम्मेदारी आप पे थी, कितना इजी या डिफिकल्ट था अगर कुछ बताया? वेल शीक मिसेस इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव क्योंकि हम देखते हैं हमारी कंट्री में जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं, पैजेंट्स की बात करते हैं तो मिस इंडिया मिस्टर इंडिया होता है तो विच इज़ अबाउट ऑल अबाउट प्रोफेशनल मॉडल्स, बट हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो हमारी माँ है या जो हमारी बहन है इनकी शादी हो चुकी है क्या उनका भी कोई भी कोई सपना था कि वो भी शायद रैंप पे आए कुछ करे, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। बट व्हेन इट्स कम टू मी एज अ शो डायरेक्टर टू ट्रेन एंड टू ग्रूम द मॉडल्स, आई थिंक मेरे लिए सबसे टफ टास्क यही था। द रीज़न इज़ कि जब मैं मिस्टर एंड मिस इंडिया में ट्रेन करता हूँ तो मुझे पता है वहाँ मॉडल्स को वॉक आता है, दे आर प्रोफेशनली ट्रेन, बट यहाँ पर जो लेडीज़ आई थी उसमें से मोस्टली लेडीज़ वो फ्रॉम टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ जिनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है मॉडलिंग का, मॉडलिंग छोड़िए उनको मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बाहर की देश और दुनिया कैसा है, उनका जो घर है सिर्फ अपनी है ना 4 दीवारी में सीमित हो जाता है, तो उनको चीज़ें सिखाना आई थिंक एक बहुत बड़ा टास्क था। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी एक जर्नी थी डेवलपमेंट की, क्यों मेरे लिए एक एक, एक माइलस्टोन मैंने क्रॉस करा है उन लोगों को सिखा के, बिकॉज आई थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग एंड व्हेन आई डिड इट विद ऑल कन्विक्शन। बहुत अच्छा लगा जब 4 दिन बाद रिजल्ट देखा कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था आज वो इतनी ब्यूटीफुली रैंप पे वॉक कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, सो फॉर मी इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या था, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें right. एक चीज जो अगर आप बताना चाहें कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए? वेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ थी इनकी एज मेरी मॉम की एज से भी ज़्यादा थी, देयर वर लेडीज़ ओवर 65-57, सो व्हेन आई कम देयर एज अ टीचर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक गुरु शिष्य वाला रिलेशन रखें क्योंकि तभी एक आपका जो स्टूडेंट है वो सीख पाता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उन लोगों को डांटना क्योंकि वो ठीक नहीं कर रहे हैं कई बार, क्योंकि दैट्स माई ड्यूटी टू ट्रेन देम, सो उनको डांटना उनके ऊपर चिल्लाना कई बार स्ट्रिक्ट होना कई बार नाम से बुलाना, तो बहुत बहुत थोड़ा ना दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ता था, बट क्या करें वो काम है एंड एंड रिजल्ट आप सब लोग देख चुके हैं तो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड लास्टली एनी टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? वेल टिप मैं यही बोलूंगा सब लोगों को कि कॉन्फिडेंस इज द मेन की, मतलब ये बहुत क्लीशे साउंड करता है हम जब कभी भी बोलते हैं बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें जैसे आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें, ये बात नहीं है कोई पतला है छोटा लंबा मोटा कलर ये सब मैटर नहीं करता, ना फर्क पड़ता लैंग्वेज का कि आप इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, जो आप हैं उसको एक्सेप्ट करिए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए एंड आई थिंक द सक्सेस इज नॉट फार अवे फ्रॉम यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।